पॉलिटिशियन? अरे कभी स्कूल भी गए थे क्या? आए हैं देश चलाने के लिए। मैं 30% टैक्स भरता हूँ, कहाँ जाता है वो पैसा? हमारे लिए कुछ किया है पॉलिटिशियंस ने? कुछ नहीं। कांधे का मालूम है क्या? दिल तो करता है कि कांधा काट कर उनके नाक में छोड़ दूँ, ताकि उनको पता चले कि एक किलो कांधा देके हमें कितनी जलन होती है। और रास्ते में गड्ढे, दिल तो कहता है कि उन गड्ढों में उनको जिंदा काट दूँ। भाई मुंबई की लोकल में भीड़ देखी है कभी? कभी कभी लगता है इन पॉलिटिशियंस की बेटियों को बाहर लटकाना चाहिए पीक आवर्स में, और जब वो गिरेगी ना ट्रेन से, तब उनको पता चलेगा आम आदमी क्या क्या झेलता है। पासपोर्ट बनवाने जाओ तो फॉर्म में पूछते हैं एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यू इन द पास्ट, और यहाँ क्रिमिनल्स पॉलिटिशियंस बनकर विदेश घूम रहे हैं। चोर है साले सबके सब। अपनी नेशनलिटी को जाहिर करने के लिए उनको प्रूफ चाहिए। पहले उनको प्रूफ दिखाने के लिए बोलिए जो देश चलाने के लिए क्वालिफाइड है कि नहीं। ये तो रही पॉलिटिशियंस की बात, आप अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं? वो बड़े होकर क्या बनेंगे? मेरा बेटा, उसे तो बहुत पेंटिंग से शौक है, पर्यावरण से उसे बहुत लगाव है। मेरे बेटे को मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, 5th क्लास में उसने मैथमेटिक्स में टॉप किया था। मेरी बेटी एथलेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, वो आम बच्चों की तरह नहीं है जो सारा दिन मोबाइल में लगी हुई रहती है, वो बाहर खेलना ज़्यादा पसंद करती है। आगे चल के शायद वो इकोलॉजिस्ट भी बन जाए, बाकी उसकी मर्जी। वो शायद इंजीनियर ही बनेगा, बाकी उसकी मर्जी। मुझे लगता है वो बड़े होके स्पोर्ट्स वुमन बनेगी और इंडिया के लिए एक गोल्ड मेडल भी लाएगी। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्समैन, इंजीनियर, रॉक स्टार, फिल्म स्टार, एस्ट्रोनॉट वगैरह वगैरह बने, पर कोई नहीं चाहता कि उसका बेटा या बेटी पॉलिटिशियन बने। एक CEO की सैलरी होती है 1.5 करोड़ और एक प्राइम मिनिस्टर की सैलरी 1.5 लाख। एक प्राइम मिनिस्टर जो रेलवे, हेल्थ, इनकम टैक्स, ये सारे डिविजन्स का हेड होता है, क्या ये नहीं होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की सैलरी 1.5 करोड़ हो, ताकि IIM से निकला हुआ बंदा सीधे मंत्री पद की उम्मीद रखे? कौन सा क्वालिफाइड नौजवान पॉलिटिशियन बनने की उम्मीद रखेगा? हम एक्टर्स और क्रिकेटर्स की ऑटोग्राफ लेते हैं, पर कभी कोई पॉलिटिशियन की ऑटोग्राफ ली है कभी? नहीं ना। पॉलिटिशियन जो 100 करोड़ देशवासियों की गालियां खाता है, तो अगली पीढ़ी के लिए हमें अच्छे पॉलिटिशियंस कहां से मिलेंगे? मलिश्का रेडियो पे पॉलिटिशियंस की रोज बजाती रहती है, पर उन्होंने कभी सोचा है कि मैं जॉब छोड़कर पॉलिटिशियन बनूं, मंत्री बन के देश संभालूं? नहीं ना। दोस्त देना आसान है, पर लेना आसान नहीं। बी द चेंज टू सी द चेंज, बी अ पॉलिटिशियन।